नमो सिद्धानंदमय नमो वज्रायानंदमय लोये सर्वसाहुणं ए सुपरिचर्मकारु सर्व पाप पनाशनं मंगलानं च सर्वेषिं परमं भवै मंगलम्। जय जगदीव जोणिवियाणौ जगद्गुरु जगानंदो जय जगप्रियामहोमय। जय सुयाण पवयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकान जय महप्पा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वपावनम शंकेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामः। सर्वार्षप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मास्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानं जनशलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस जैन आहार एवं आयुर्वेदिक कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा के विषय हमने देखा कि तेल के संबंध में विशेष रूप से चर्चा चल रही थी, जिसमें हमें इस चीज का जानकारी मिली कि किस प्रकार से आज लोगों को हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं, किस कारण से। महाराज साहब ने भी एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि किस कारण से आज लोग इतनी ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं, जिसमें हमें पता चला कि कोलेस्ट्रॉल की कारण आज ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। और कारण क्या बन रहा है कि जो आज हम रिफाइनरी तेल का प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण से हमें ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। परंतु अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो तेल एक ऐसा कारक चीज थी जिसके कारण से कई बीमारियां भी दूर हो सकती थी और जो वायु का प्रकोप है उससे भी उसको भी दूर किया जा सकता था। लेकिन आज रिफाइनरी तेल का प्रयोग करने के कारण से बीमारियां फैल रही हैं। ये पूर्व कक्षाओं में हमने बहुत सारी जानकारी देखी थी, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ कि आज की कक्षा का प्रारंभ करें। बहुत अनिवार्य है ये बात भी, उतनी ही जरूरी। बिना स्निग्धता के चलता ही नहीं है। अब वो स्निग्धता आपको किसमें से मिलेगी ये हमको देखना है। अब नंबर एक, या तो दूध, दही, घी, मक्खन में से मिलती है, और दूसरे प्रकार के अंदर वनस्पति जन्य जो पदार्थ हैं। अब ये दोनों ही शरीर को उपयोगी है। अब ये तेल आदि जो है, जो गुण तेल में है वो घी में नहीं है, जो घी में है वो तेल में नहीं है, ये बात तो निश्चित हो गई। तो ये दूध में जो पदार्थ, अब दूध में किसी को यूं बाहर से खाई तो नहीं देगा, लेकिन प्रक्रिया तो उससे ठीक, दूध को दही जमाओ जिसे छड़म बचा करके घी बना दे। अब आयुर्वेद शास्त्र ने तो देशी घी गाय की महिमा बहुत गाई, बहुत ब्रेन के लिए, शरीर के लिए, दिमाग के लिए, मेमोरी के लिए, इन कई निमित्तों के लिए जो है घी बहुत उपयोगी, बहुत जरूरी है। अब ये घी का विषय हुआ। दूसरी स्निग्धता, अरे स्निग्धता शब्द का अर्थ क्या होता है? चिकनाहट का अर्थ सीधा तात्पर्य है स्निग्धता, क्योंकि शरीर तो पुद्गल का बना हुआ पिंड है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श, स्पर्श में आठ स्पर्श, उसमें आता है स्निग्ध स्पर्श,
ब्रेन को चाहिए, शरीर को चाहिए, हमारे सारे जॉइंट्स को चाहिए सब। तो वो जिसको ऑयली सरफेस कहते हैं, ऑयलीनेस जो शरीर के अंदर, सिर के बालों को चाहिए, हमारे शरीर के अंदर के जॉइंट्स को चाहिए, मसल्स को चाहिए, ये सारी अनिवार्यता है स्निग्धता। अब कितने प्रमाण में चाहिए देखना है। प्रतिदिन के शरीर के हिसाब से 10 ग्राम से 15 ग्राम से 20 ग्राम ये लेवल बैठना चाहिए सर। 10-15 ग्राम का मतलब हुआ जो हमारे छोटे से 2 टीस्पून हो गए सर, छोटे 2 टीस्पून जो है अब वो हो गए सर। तो अब आप समझ लिए कि एक टीस्पून अगर 5 ग्राम का है, कोई 10 ग्राम का है, तो आपको पूरे दिन के अंदर इतनी तो चाहिए। अब इतनी अगर आपके शरीर को मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है ये देखिए, और वो भी सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है। गलत मिल गई तो नुकसान हो जाएगा, सही मिलेगी तो फायदा होगा। सही का मतलब क्या है, घी आपको गिर गाय का, देशी गिर गाय का, अगर वो बिलोना की पद्धति से बनाया हुआ शुद्ध घी मिलेगा तो मस्तिष्क के लिए, मेमोरी के लिए, ऊर्जा के लिए, मेधा के लिए बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा सर। ये बात पूरी समझ सके। अब उसी के बाद जो है भोजन में हमारे लिए वनस्पति जन्य तेल आदि है, तो वनस्पति जन्य तेल में क्या है, जो हमारे लिए तिल का तेल है, सरसों का तेल है, राई का तेल है, क्या लायक नहीं, ये हमारे लिए अरंडी का तेल है, मूंगफली का तेल, वनस्पति है, सब वनस्पतियों से बनने वाले तेल है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी, ये भी बहुत जरूरी है हम, ताकि हमारे शरीर में जो है जॉइंट्स वगैरह सही चले। इधर क्या है, तेल आदि के अंदर जो मुख्य गुण है, तेल हमेशा वात नाशक गुण वाला है। शरीर के अंदर होने वाली रुक्षता, शरीर के अंदर आने वाली जो है रुक्षता को घटाने के लिए और जॉइंट्स को बरोबर जो है मूवमेंट देने के लिए जो लुब्रिकेशन है, ग्रीसिंग है, वो तेल करता है और वहाँ के वायु को हटाता है। तो ये जरूरी है, एज ए मेडिसिन के रूप में भी देखिए, तिल का तेल है, कभी सरसों का तेल है, आपने देखा कभी जो है हमको मूंगफली का तेल है, कभी आपको अरंडी का तेल है, अलग अलग कई प्रकार की रोग बीमारियों में ये इस तरह से उपयोगी बनेगा, तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, जरूरी है ना। अब ये तेल आदि हमको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, शुद्ध मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अब आज की तारीख में पंचम काल का कलयुग चल रहा है, तो वास्तविकता ये हो गई है कि दोनों ही गलत हो। गलत का मतलब क्या है, असली चीज ही नहीं बची, न घी शुद्ध बचा है न तेल शुद्ध बचा है, क्योंकि घी हमको गाय का शुद्ध चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब उसमें गायों की संख्या घट गई, स्लॉटरिंग के लिए ज़्यादा यूज हो गई, परिणाम ये आया कि देश के अंदर जो है जनसंख्या जरूर बढ़ गई लेकिन दुग्ध देने वाले ऐसे प्राणियों की संख्या नहीं बढ़ी, ये हमारा अफसोस रह गया समझे कि नहीं। अब बताइए हम क्या करें। इधर वनस्पति जन्य इन पदार्थों का उपयोग हमको करना है, तो लोग जो है मूंगफली तो यूं चटनी बनाकर खा लेते हैं, मूंगफली ऐसे ही खा लेते हैं, तो मूंगफली का प्रमाण घट रहा है, तेल बनने में उपयोग कम हो रहा है। तो फिर लोग लाते हैं राइस ब्रान ला रहे हैं, सनफ्लावर ला रहे हैं, फिर सोयाबीन का ला रहे हैं, फिर जो है सूरजमुखी ला रहे हैं, ये गुण उनके अंदर वैसा नहीं मिलेगा। आपको गुण से भी तो मतलब है ना, खाली तेल चिकनाहट से मतलब नहीं है, गुण से भी महत्व है। जो गुण तिल के तेल में है वो सोयाबीन में नहीं है, जो गुण सरसों के तेल में वातनाशक गुण है वो नहीं है। और तेलों के अंदर तो सबसे बड़ा राजा जो कहता है वातनाशक गुणों का वो है अरंडी का तेल। आपको रूमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, गाउट है, साइटिका है, कॉन्स्टिपेशन है, जो जिस प्रकार के रोग हैं उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय वाला जो है ये आपको अरंडी का तेल।
अब आज के जमाने में इन तेलों को रिफाइंड करके जो दिया जा रहा है, तो तेल तो वही थे लेकिन सारे घटक नष्ट करके केमिकलाइज कर दिया। इतना ओवर केमिकलाइज हो जाने के कारण सारे घटक नष्ट हो गए। अब ये घटक नष्ट होने के कारण समस्या ये बढ़ गई, यही तेल और यही घी अब बीमारियां करने लग गए। जो पहले ये घी और ये तेल बीमारियां मिटाने वाली आयुर्वेद की औषधि है, जिसने भी आयुर्वेद का अभ्यास किया हो, अष्टांग हृदय है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट ऋषि के है, इन सब के अंदर घी तेल के विभाग हैं, चैप्टर है और उनका महिमा बताया गया है, सारा स्वरूप समझाया गया और वो हमको समझना चाहिए अच्छी तरह से। लेकिन आज ये शरीर के मुख्य घटक दोनों ही विपरीत हो गए, दोनों उल्टे हो गए। उल्टे मतलब बिल्कुल नकली हो गए। लोगों के व्यवहार में तो चल रहे हैं, उपयोग में तो आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लेकिन गलत वस्तु खा रहे हैं। घी आ गया नकली, पिग फैट से, सुअर की चर्बी से, और जो है पाम ऑयल से बनाने लग गए उसको, और क्या बोलते हैं वनस्पति घी, और ऐसे ऐसे नाम दिए कि सब प्रोसेस आ गए। सब तेल भी प्रोसेस में ले गए सर। अब तेल को प्रोसेस में ले जाने की जरूरी नहीं थी सर। मुख्य रूप से आपको मैंने बताया कि तेल के जो मुख्य घटक थे वो तीन थे। अब तीनों के अंदर आपको तेल का जो है ये चिकनाहट होनी चाहिए थी मुख्य रूप में, और दूसरे रूप में उसकी जो है गंध अनिवार्य थी, तीसरे रूप में उसका कलर रंग भी इतना ही अनिवार्य था। तीनों चीज उसके मुख्य घटक थे। तेल के जैसा कलर जो है अरंडी का नहीं है, सरसों का नहीं है, मूंगफली का नहीं है, कोकोनट ऑयल का भी नहीं है साहब, तो सब अलग अलग प्रकार के हो गए। अब सबको इन्होंने क्या कर दिया है, ऐसे केमिकल पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से रिफाइंड करते 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 सारे घटक नष्ट कर दिए। अब वो आपको जहर दे रहे हैं, जहर खिला रहे हैं। ये हमने गत शुक्रवार की क्लास में सबको वीडियो दिखाया है, देखा है आपने। अब हमको जो तेल तो चाहिए ही साहब, अनिवार्य है, घी भी चाहिए अवश्य अनिवार्य है। अब ये दोनों कैसे पदार्थ होने चाहिए ताकि वो हमारे शरीर के लिए सही ढंग से फायदा कर सके, और वापस फायदा क्या करे, रोग निवृत्ति करे सर। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा सर। आज कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ऐसे घी तेल में अब उसके अंदर बढ़ गई ट्रांस फैट का प्रमाण बढ़ गया। वो ट्रांस फैट जो है वो आकर कोरोनरीज में जमती है, बस वही हार्ट अटैक का कारण बन रही है सर। अब जिम में वर्कआउट करने वाले हार्ट अटैक में मर रहे हैं, ये समस्या आ गई सामने। तो आखिर तेल कौन सा खाना, आखिर कच्ची घानी का तेल कैसा, ये तीनों घटक जिसके बने रहने चाहिए, और इन तीनों घटक के साथ में जो तेल का मुख्य लक्ष्य जो है वो है उसका गुण है, तो ये तो रहने ही रहने चाहिए। अब उसका गुण जो है वो रहना चाहिए। अब तेलों के अंदर जो गुण उसके बताए, तो वो अगर हम अच्छी तरह से समझ सके तो हमारे लिए काम का है सब। अब ये तेल आपको देखने हैं कि हम कौन से तेलों का उपयोग करें। अब गुण की दृष्टि से आपको देखना है तो क्या आप नारियल का तेल उपयोग कर सकते हैं, क्या आप सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं, क्या आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं, क्या मूंगफली के तेल का उपयोग कर सकते हैं, क्या आप अरंडी के तेल का उपयोग कर सकते हैं, फिर आगे चलो तो बादाम का तेल वगैरह, वो तो बड़ी बात हो गई समझे। लेकिन रोज के खाने पीने में तो नहीं आएगा। अब आजकल लोग जिसका ज्यादा विचार करते हैं वो है पाम ऑयल जो है। पाम ऑयल तो चल ही रहा है लेकिन वो सबसे गलत है। अब जो आप लोग
तेल का उपयोग करना चाहते हैं तो उन तेलों के अंदर जो है जो अलग अलग तेलों के उपयोग में हमारे देश में हमारे क्षेत्र में, क्योंकि इसका उपयोग करने के पीछे आपको क्षेत्र देखना है, काल देखना है, सीजन देखनी है और उसके साथ में सबका अभ्यास करेंगे तो काम का है, नहीं तो काम का नहीं है। आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ का क्षेत्र कौन सा है तो वहाँ कौन सा खाना चाहिए, फिर वात रोग है किस उम्र के लोगों को कौन सा खाना चाहिए, क्योंकि वात रोगों की उम्र जो है वो 40 के बाद की है, 50 के बाद की है, तो वायु के रोग जो शुरू होने वाले हैं वो 40, 45, 50 के बाद, महिलाओं के अंदर 40, 45 के बाद जो है उनकी वायु की बीमारियां शुरू हो जाती है, मेनोपॉज वगैरह आने के बाद उनके वात प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है कि जब वायु का तेल नाश करना है तो सरसों का तेल है, तिल का तेल है, अरंडी का तेल है। चलो अरंडी का तेल रसोई में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन सरसों और तिल का तेल तो रोज रसोई में यूज कर सकते हो, प्रतिदिन कर सकते हो। अब ये है कि आप पहले तेल शब्द के डब्बे पर आप पढ़िए, रिफाइंड ऑयल है तो आज से ही घर में से बाहर फेंक दीजिए सर, रिफाइंड ऑयल का भूल से उपयोग मत करिए, नहीं तो कैंसर तक बढ़ने की नौबत आ जाएगी, ट्रांस फैट के कारण बड़ी भारी समस्याएं बढ़ जाएगी, सैकड़ों बीमारियां ये लाएगा, लास्ट की लास्ट बीमारी जो है वो कैंसर तक की बीमारी आ जाएगी। तो ये आपको सोच समझ करके उपयोग करना है, नहीं तो कल हम इसके चक्कर में फंस जाएंगे साहब। ये आप देखेंगे, हाँ जी, जैन फाउंडेशन वाले विपुल जी जो भी है टेक्नीशियन जरा मैंने भेजा है वो वीडियो दिखाना है। जी जी मेरा सर, आज इसके जो दुष्परिणाम है लोगों के सामने आ रहे हैं, उसके जो रिसर्च है और जो न्यूज आ रहे हैं और जो न्यूज आ रही है वो रिफाइंड ऑयल है, कि उससे जो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो हमारी जो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक और दूसरी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो हमारा ये उद्देश्य है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो हमारा वैदिक कल्चर है, वैदिक संस्कृति है, उसमें आयुर्वेद शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार कच्ची घाणी का जो तेल है वो हर व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है, ना उससे किसी तरह का केमिकल प्रयोग हो, ना उससे किसी तरह का मिलावट हो, यानी अडल्टरेशन मिलावट नहीं होनी चाहिए, जो जैसा प्रकृति से जो हमें बीज प्राप्त हुआ है उससे पूर्ण मिलावट रहित तेल हम सभी के लिए उपयोगी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो हमारा यही प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपना ये जो नेचुरल तेल है, नेचुरल ऑयल है, मिलावट रहित है, केमिकल रहित हम लोगों तक पहुँचाएँ। और आपको सबसे पहले साइंटिफिकली ये बताना चाहेंगे कि ये जो रिफाइंड ऑयल है वो कैसे बनता है। चलिए, तो बात कहाँ चल रही है, तो ये जो हमने देखा है यहाँ पर, अब सवाल तो इन तेलों का नहीं है, लेकिन ये जितने तेल हैं अब इन तेलों के अंदर जो है आज की तारीख में, अब हमको ये कौन सा चाहिए, फिल्टर। आज जो आपको मार्केट में अवेलेबल है वो आज जो आपको मिल रहा है सब रिफाइंड मिल रहा है। अब उसके अंदर भी, रिफाइंड के अंदर भी इन्होंने ये जो बताया है ये डबल रिफाइंड वाला बताया है, अब बोल रहे हैं कि ये ट्रिपल रिफाइन वाला बनाएंगे, ये बहुत खतरनाक जहर बनता जा रहा है। तो ये अगर आपको जो है जहर के रूप में कैंसर कर रहा है, क्लॉटेज बता रहा है और हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है क्योंकि ट्रांस फैट हो गए, अब इसमें तेल का कोई गुण नहीं बचा है, कोई अंश नहीं बचा है, कोई तत्व ही नहीं बचा है, कुछ भी नहीं, और ये तो खत्म हो गए, लेकिन अब आ गए केमिकल, और वो भी कौन से, पेट्रोकेमिकल जो है वो ज्यादा आ गए सर।
अब फॉस्फोरिक एसिड जो है वो इतना खतरनाक होता है, एक्साजेन जो है वो इतना खतरनाक होता है, केमिकल जो प्रोसेस में आ रहा है, यूज में किया जा रहा है, अब डीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए भी यूज कर रहे हैं सब, कलर भी निकालना है इनको, सब कुछ निकाल दिया, वो बस तेल पानी जैसा तेल बन जाएगा, उसमें जहर हो जाएगा। तो ये आप पहले बंद करना है, हर हालत में हमें इसको छोड़ करके सिर्फ फिल्टर, मतलब अगर आपने तेल जो है लकड़े की घानी के अंदर वो लकड़े का बीच में घूमता है और सरसों या तिल जो है पीसा जा रहा है, अब वो उसे पीलने से जो तेल निकल रहा है बाद में हमने उसको कपड़े से छान लिया, छानने का हेतु ये है कि उसमें कचरा जम रहा है वो निकाल दिया, अब वो तेल आप खाइए, एक चम्मच नहीं दो चम्मच खाइए, ना तो कैंसर होगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ट्राइग्लिसरीड होगा, ना कोई ब्लॉकेज आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये रिफाइंड ऑयल आज की तारीख के अंदर जिनकी शादी भी नहीं हुई है अभी 20-22 वर्ष के युवक युवतियों के सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और हेयर फॉल जितना ज़्यादा हो रहा है वो तेल के कारण, रिफाइंड ऑयल के कारण हो रहा है। अनिवार्य रूप से आप देखिए कि 100 में से 80% महिलाएं जो हैं वो रिफाइंड ऑयल के कारण परेशान है, हेयर फॉल के कारण परेशान है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, और फिर बाद में शैम्पू लाओ 10 दवाइयां बताओ, क्योंकि टीवी पर वही ऐड चलती है, प्रतिदिन वही ऐड चलती है सब, अब वो और परेशान हो जाएंगे। कई महिलाओं को देखिए 40-50 के आसपास जो है एक तरफ तो बाल जा रहे हैं, एक तरफ सिर पर टाल पड़ती जा रही है, गंजापन बढ़ता जा रहा है, और बेचारे ऊपर से सफ़ेद बाल को काला करने के लिए डाई लगाते रहते हैं, ये समस्या आ गई। आखिर तो बाल है ना, कोई ज़मीन की घास तो नहीं है कि साहब रोज रंगते रहो, रंग करते रहो, ये भी गलती हो रही है, तो ये पहले समझना है। अब ये अगर हमारे में से रिफाइंड के सिस्टम डबल रिफाइंड महिलाएं अनजान है, नहीं समझती है, वो इस गलती को ना दोहराए, सबसे बड़ी मुख्य बात ये है। अगर आप इसमें से बाहर निकल जाते हो और फिल्टर ऑयल, अब उसमें भी वापस कोल्ड प्रोसेस वाली फिल्टर ऑयल, मतलब तेल गर्म ही ना हो, मशीन प्रोसेस में जो है तेल गर्म हो जाएगा तो गुणधर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम कैल्शियम के परसेंटेज है वो हमारे शरीर के काम के हैं, क्योंकि अब 40-45-30 के बाद अब लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो तेल खाने का मुख्य हेतु तो कैल्शियम का था, अब वो आप बढ़ाओगे शरीर में तो जा करके और लुब्रिकेशन भी कर देगा सब, दोनों काम हो जाएगा हमारा। तो ये हेतु ये है कि आप पहले इस तेल को खाइए। अब इसमें भी कोल्ड प्रोसेस एंड हॉट प्रोसेस दो प्रकार आ गए सर, ये जो है ये आपने लिया, अब दो प्रोसेस के अंदर ये कोल्ड प्रोसेस की है और ये हॉट प्रोसेस की जो है, तो हॉट प्रोसेस होने से क्या हो रहा है कि इसके गुणधर्म नष्ट हो रहे हैं सर, जो विटामिन्स मिलने चाहिए शरीर को, जो गुणधर्म मिलने चाहिए वो कोल्ड प्रोसेस में, मतलब क्या है, आपने पहले प्राचीन काल से सुना होगा कोलू का बैल घूमता है घूमता है घूमता है और उससे जो तेल निकलता है वो है प्रक्रिया, अब वो निकल जाएगी तो फिर नुकसान हो जाएगा, तेरे शरीर को मिलेगा नहीं कुछ भी। आज से 50-100 साल पहले आपने देखा होगा कि ये पद्धति थी नहीं, था ऑयल मिली नहीं थी, गाँव गाँव के अंदर कोलू का बैल चलता था और लोग तेल लेते थे और बरोबर यूज करते थे, ऑलिव ऑयल जो है वो भी लोग कोई यूज करते हैं, लेकिन वो देश के अवमान और काल के हिसाब से देखिए समझे। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो ये हेतु है मुख्य, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यकता है। आज जब से ये रिफाइंड ऑयल चला है, अब आप देख लो रिफाइंड ऑयल के ऊपर रिसर्च करके स्टडी करिए, इसलिए मैंने खास करके रिफाइंड ऑयल का वीडियो जो कल गए शुक्रवार को दिखाया, आप नोट्स करिए फॉस्फोरिक एसिड से लेकर के कितने एसिड का कैसे उपयोग किया है, कि आप उसमें से नोट्स करिए, आपकी आंखें खुल जाएगी, और वो कैसे केमिक
कैंसर के कारणीभूत निमित्त बन रहे हैं, रूमेटिज्म आर्थराइटिस के कैसे निमित्त बन रहे हैं, ये उसी की साइड इफेक्ट है कि आज के लोगों को नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ रही। तो डॉक्टरों को तो मजा आ गई भाई, सब हॉस्पिटल में उन्होंने तो नी रिप्लेसमेंट के डिपार्टमेंट ही खोल दिए, 3 लाख 4 लाख 7 लाख लोग हैं, डॉक्टर कमा रहे हैं सब। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि आप रिफाइंड ऑयल बंद करिए और ऑल प्रोसेस का डायरेक्ट सीधा देसी तेल खाइए, आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जरा ध्यान से सुन लीजिए प्रवीणा बहन, जो है आपको मेथी खानी है, जीरा खाना है, 1 चम्मच मेथी 1 चम्मच जीरा मिक्स करके रोज खाइए, दिन में सुबह और शाम 2 टाइम, आपके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और इधर सरसों का तेल, इधर अरंडी का तेल, इधर जो है ये तेल आप उपयोग करेंगे, आपके लिए काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। आप 7 लाख रुपए का अगर जीरा और मेथी खाओ और ये तेल खाओ, तो आपको तो पूरी जिंदगी में कभी नी रिप्लेसमेंट कराना ही नहीं पड़ेगा, रूमेटिज्म आर्थराइटिस कभी जिंदगी में नहीं आएगा। अब लोगों को 7 लाख का तेल नहीं खाना है, 7 लाख डॉक्टर को देख करके 2-4 दिन के अंदर जॉइंट्स बदलाने हैं, नी रिप्लेसमेंट करने हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अब इसका रास्ता क्या है भाई साहब? अब आपको कितना भी समझाओ ना, कौन समझेगा? क्योंकि शरीर के अंदर देखिए, आयुर्वेद शास्त्र के नियमानुसार शरीर के अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां जो है वो वात प्रकोप, वात बीमारियां ज्यादा है, समझेगी? सबसे ज्यादा करीब 80 के ऊपर 100 से ऊपर जो है वायु की बीमारियां, सेकंड नंबर पर आएगी पित्त की बीमारियां, फिर नीचे तीसरे नंबर पर आएगी कफ की बीमारियां। तो वायु की बीमारियों के लिए तो तेल सबसे बढ़िया दवाई है, सबसे सही दवाई है। अब देश क्षेत्र का भाव से देखो, साउथ इंडिया में आज भी चले जाओ, तमिलनाडु के अंदर तिल का उपयोग ज़्यादा होता है, तिल में ज़्यादा परसेंटेज में कैल्शियम है, समझे के? इसीलिए हम लोग जो है तिल के लड्डू खाते हैं, तिल की गजक खाते हैं, तिल की पापड़ी खाते हैं। तो ये तिल के व्यवहार ही करने का प्रयोजन ये था कि भी इतने परसेंट हमारे जॉइंट्स को जो है लुब्रिकेशन तेल मिल जाए, बस काम का था। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, अगर ये ख्याल में आ जाता है तो बहुत बड़ा काम होगा, नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, सब समझेगा नहीं। तो अगर रिफाइंड ही खाते रहे, आज हर महिलाएं घर में रसोई बना रही है रिफाइंड ऑयल ला रही है, हर घर में डब्बे के डब्बे आ रहे हैं, 15 kg का डब्बा आ रहा है, अब कोई सनफ्लावर ला रहा है, कोई राइस ब्रान ला रहा है, कोई कौन सा ला रहा है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात देखो, अनजान होने के कारण, सही नॉलेज न होने के कारण बरसों से मूँगफली का तेल आ रहा है, बरसों से वही चल रहा है। अब आज किसी को बोल दो कि सरसों का तेल यूज करो, नहीं 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 हमको भाता नहीं है, बास आती है। अरे वो बास ही उसकी असली की पहचान है, उसकी गंध जो है ना वही उसकी असलियत की पहचान है। आप ये मत सोचिए, समझे? अब कई महिलाएं गलती क्या करती है, उस तेल में ही तो बघार करेगी, छौंकने का काम, तड़का लगाने का काम तेल में ही करेगी। अब तेल में करने के साथ ही मिर्ची डाल देती है, टमाटर डाल देती है, वो छौंकने का तरीका ही गलत बना दिया। अब ये मिर्ची गलत आ गई सब, लाल मिर्चियाँ जो है रंग वाली आ गई, कलर वाली आ गई सब, केमिकल वाली आ गई। अब दोनों तरफ से हम फंस रहे हैं, दोनों तरफ से फंस रहे हैं, तो ये परिस्थिति फिर कैसी होगी? शरीर तो पित्त प्रकोप बढ़ाता जाएगा, लीवर खराब होता जाएगा, इधर जो है घी नकली आ गया पिग फैट वाला, इधर तेल नकली आ गया रिफाइंड ऑयल वाला, ये आपके लीवर को नुकसान करेंगे ही करेंगे। किसी को तो फैटी लीवर हो जाएगा, किसी को लीवर सिरोसिस हो जाएगा, किसी के लीवर के एसिड ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, नुकसान बहुत होता जाएगा। अब वो समझ नहीं है तो क्या करेंगे? फिर बीमारियां बढ़ने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टरों के पास आपके घुटनों के लिए या आपके रूमेटिज्म आर्थराइटिस के लिए उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पेन किलर खाओ, पेन किलर खाओ।
अब पेन किलर आप बरसों तक खाते रहेंगे तो वो आपकी किडनी को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा, फायदा तो नहीं होगा, कोई रोग बीमारी लिमिट तो नहीं जाएगी, लेकिन नुकसान डबल हो जाएगा। अब कोई रास्ता है कि नहीं है भाई? पहला विकल्प हमारे पास सबसे अच्छा है कि आप रिफाइंड ऑयल बंद करिए, इसलिए आपको दिखाया है वीडियो। और ये जो है हमारे जैन फंक्शन वालों ने अगर ये वीडियो तैयार करके या उसका कट पेस्ट करके जो है बरोबर यूट्यूब के ऊपर भेजा हो तो कुछ लोग देखेंगे, समझेंगे और फिर अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। हमारे यहाँ तो जैन धर्म में सबसे बड़ा आयम मिल है। अब आयम मिल की तपश्चर्या के अंदर तो तेल का उपयोग ही नहीं है, घी का उपयोग ही नहीं है, बिल्कुल इस घी तेल से रहित ऐसा अनाज बॉईल करके खाना है आपको तो और भी अच्छा हो गया सर। लेकिन आप कितने दिन खाओगे? क्योंकि आयरन मिल का खुराक शरीर के अंदर रुक्षता बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब उस रुक्षता से फिर शरीर के अंदर कैल्शियम कम होगा, फिर रूमेटिज्म आएगा, फिर आर्थराइटिस आएगी, फिर तकलीफें वात प्रकोप की बढ़ेगी सर। वो वात प्रकोप की बीमारियों को घटाने के लिए जो एम्बिल वाले हैं कि एम्बिल करने के बाद गोलियां करने के बाद ये कोल्ड प्रोसेस वाला शुद्ध देशी तेल खाए तो वापस उनका लेवल बरोबर बैठ जाए। घी में वो गुण नहीं है, ख्याल आया कि नहीं? जब रोग बीमारी आपके शरीर में वात प्रकोप की बढ़ रही है तब तेल काम का है, तब सरसों का तेल काम का है। अब जनरली वृद्धावस्था में आ गए, मतलब 60 के ऊपर वाले, तो उनको तो सरसों का ही तेल पूरी लाइफ खाना चाहिए। लेकिन सीजन में बदली, अब वर्षा ऋतु आ गई तो वर्षा ऋतु तो फिर जो है ही वात प्रकोप की सीजन। वर्षा ऋतु में वात प्रकोप ज्यादा बढ़ता है तो उस समय सरसों का तेल खाइए। सरसों से सेकेंड नंबर पर नीचे उतरने पर तिल का तेल है। जिनको सरसों का अनुकूल नहीं आता है वो तिल का तेल कभी खाइए। अब सीजन आएगी आपके लिए, विंटर सीजन है, विंटर सीजन के अंदर आप तिल का तेल खाइए, ये आपके लिए वायु का भी प्रकोप दूर करने वाली बढ़िया अच्छी ट्रीटमेंट बन जाएगी, दोनों काम कर लेगी सब। फिर वापिस आपके लिए समर सीजन आए तब आप कोकोनट ऑयल यूज कर लेना। हाँ जी, कोकोनट ऑयल के अंदर इतना वात गुण नहीं है, लेकिन एक तेली पदार्थ तो मिल जाएगा ना, शरीर को तो तेल चाहिए, बालों को, सिर के बालों को तेल चाहिए। आप सिर के बालों में कोकोनट ऑयल लगाते रहिए रोज, हालांकि सरसों का तेल भी सिर के बालों में लगता है ताकि सिर के बाल आपके बरोबर काले बने रहे, घने काले बने रहे। ये छोटी उम्र में ही सफेद बाल आना ये तो रिफाइंड ऑयल का ही काम है। तो ये अगर हम बरोबर समझ जाएं तो ये हमारे लिए चिकित्सा शास्त्र है, बरोबर इनसे ही हम अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अरंडी का तेल है तो कॉन्स्टिपेशन जिनको ज़्यादा हो रहा है, क्या लें, पेट ही साफ ना हो और फिर वापस जाकर के शरीर के अंदर रूमेटिज्म की तकलीफ से, गाउट और साइटिका की तकलीफ से जो परेशान होते हैं उनको तो अरंडी का तेल जरूर उपयोग करना चाहिए। लेकिन वो कैसे करना है, कैसे करेंगे आप? उसके लिए एक गिलास पानी में सूंठ डाल करके उबालें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और फिर गरम गरम सुबह खाली पेट पीते समय एक चम्मच अरंडी का शुद्ध तेल, देसी तेल का डालकर पी जाए। तो वो जो तेल है वो सौंठ उसको पहुंचाएगी हर एक जॉइंट्स में, जिस जॉइंट्स में आपको पहुंचाना है, नी जॉइंट्स में, हिप जॉइंट्स में है या नी जॉइंट्स में है, तो सूंठ वहाँ पर तेल को ले जाएगी। सूंठ वाहक है और तेल वहाँ पहुंच करके वहाँ का वायु निकाल देगा और वहाँ लुब्रिकेशन भी हो जाएगा, आपके घुटनों की बीमारी मिट जाएगी। बहुत सिंपल वस्तु है, बहुत सादी चीज़ें हैं, चिकित्सा की चिकित्सा, आहार का आहार, भोजन करते हुए आप अपनी बीमारियों को मिटा करके दूर रखिए। अब ये अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर बीमारी में चले जाओ, ये बात सही है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें अपनी शरीर को बरोबर ध्यान देना है,
देखिए पहली प्रिवेंटिव सिस्टम को अपनाइए। प्रिवेंटिव सिस्टम ये है कि आप बीमारियां होने के बाद ट्रीटमेंट कराओ, ये गलत है। बीमारी ना हो इसके लिए पहले से ही आप अपना आयोजन करिए ताकि फायदा हो। तो ये समझदारी इसी में है, आप पहले जो है पहले बीमारियां हो जाए और उसके बाद बोलो अब मैं ये करा दूं वो करा दूं, ये ट्रीटमेंट इस डॉक्टर के पास जाओ उस डॉक्टर के पास जाओ, क्यों चक्कर में फंसते हो। तो पहले ही प्रिवेंटिव सिस्टम से अपनी तरफ से कराओ, वो फायदा हो जाएगा आपको समझे। लेकिन आज की तारीख में प्रिवेंटिव सिस्टम में चलने वाले 2-5-10% नहीं है। बीमारियां हो जाने के बाद दौड़ भाग करके लोग ट्रीटमेंट कराने भागते हैं और फिर डॉक्टरों को भगवान मान लेते हैं और डॉक्टरों के चक्कर में जाल में फंस जाएंगे तो फिर तो नी रिप्लेसमेंट ही कराएंगे सब। चलो नी रिप्लेसमेंट तो बोन का पोर्शन है, साइटिका तो बोन में नहीं है ना, साइटिका तो नर्व्स में है। सियाटिका जो है वो अगर नर्व्स में है तो कोई नर्व्स तो रिप्लेसमेंट नहीं होती है। बोन आपके लिए ठीक है कि आपने बोन के ऊपर जो है उसकी कैप बदला दी और ये कर दिया, तो गलत तरीका है। क्यों नहीं होते थे आज से 50-100 साल पहले इतने नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन क्यों नहीं होते थे, आज ही क्यों होने लग गए, क्या कारण? आज भी लोग अगर बिल्कुल अपनी तरह से ये जो कोल प्रोसेस वाला कोल्हू के बैल वाले तेल वालों को गांव गांव में घाणी वालों को प्रोत्साहित करेंगे, उनसे माल लेंगे खरीदेंगे तो वो बनाएंगे बढ़ाएंगे बरोबर। आज नहीं खरीद रहे नहीं ले रहे, सब रिफाइंड का डब्बा ले आ रहे हैं तो बेचारे वो लोग बंद हो जाएंगे, उनका व्यापार व्यवसाय ही बंद हो जाएगा। नहीं तो ये तो हर गांव में थे, हर गांव गांव के अंदर घाणी वाले थे। चलो मान लिया कि कोल्ड प्रोसेस नहीं है तो तेल हॉट प्रोसेस की अब तेल की मशीनें आ गई, छोटे मिक्सर जैसी मशीनें बना दी है, इतने छोटे छोटे घर के अंदर आपको जितना तेल बनाना है मूंगफली डाल दी तेल निकल जाएगा, आपने तिल डाल दिया तेल निकल गया सब। एक एक सप्ताह भर के लिए जितना बनाना है 1 लीटर 2 लीटर उतना ही रोज बना लो, एक सप्ताह भर खा लो बाद में बंद करो, तो कम से कम बीमारियों से तो बचोगे। एक मशीन आ गई 20-25 हज़ार में, फिर अपने ही घर में लाकर बनाना का शुद्ध और फ्रेश ताज़ा बना बना कर खाने लग गए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए फिर आपको। 20-25 हज़ार की मशीन और उसमें ताज़ा बना करके खाओ तो आप अपने घर में तेल बना कर खाओगे तो आपको इकोनॉमिकल भी कितना फ़ायदा होगा और शुद्धता के कारण शरीर को कितना फ़ायदा होगा, दोनों बातें समझनी चाहिए। लोग लेकिन समझते ही नहीं है, तो ये समझते हैं कि नीचे उतरे बाजार में गए मार्केट से रिफाइंड का डब्बा ले लिया चलो काम हो गया हमारा, हम कहाँ मशीनें लाते बैठे। अरे इतनी छोटी सी मशीन 2 फीट की मशीन जैसे करादी होते हैं आपके घर में, तो क्या बोलते हैं ओवन वगैरह ला करके रख दिए हैं, माइक्रोवेव वगैरह ला करके रख दिए, तो माइक्रोवेव निकाल कर फेंक करके उसकी जगह पर तो ऑयल की मशीन छोटी सी ला कर रख दो, और वो भी मल्टीपर्पज़ आने लग गई आजकल, तो काफ़ी चीज़ें मल्टीपर्पज़ हो गई है कि जब आपको जरूर है तब तेल निकालो, जब दोनों शरीर को रक्षा करने के लिए ये ज़रूरी है। अब आज अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज से कैंसर से बचना है तो विच कंटेन्स द मैक्सिमम ट्रांस फैट, ये समोसा है कचौरी है ये क्या केलावड़ा है भजिया है ये जो सारे पूड़ी है ये तले हुए पदार्थ बंद करो, रिफाइंड ऑयल में तले है। अब वो पूरी डीप तेल के अंदर जो है कढ़ाई के अंदर तले जाते हैं 5 मिनट तक तो सारा तेल उसमें भर जाता है, ये बंद करेंगे तो आपको जो है कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा ब्लॉकेज भी नहीं आएंगे कैंसर भी नहीं होगा। ये खाने तो बंद करो, लेकिन लोगों को तो खाना है भाई साहब, खाने का तो छोड़ना नहीं है, तो फिर दोनों तरफ से तो काम कैसे होगा। कचौरी के अंदर जो है आपने जो भरना है वो भर दिया, ऊपर मैदे का फूड लगा दिया और उसको आप कढ़ाई में तल रहे हो तो सारा तेल पी के अंदर आ रहा है,
केला वड़ा में सारा तेल अंदर, एक भजिया पकौड़ा जो है जो भी आप तलोगे तो उसको दबाओ देखो तो चार बूंद तेल नीचे गिरेगा। ये गलती हम कर रहे हैं और फिर अब कह रहे हैं कि साहब हमारे तो सिर के बाल चले गए, हमको तो कैंसर हुआ था, तो होंगे ना। और फिर लोगों को खाना है गलियों का स्ट्रीट फूड और होटल का फूड, वहाँ क्वालिटी क्या बची है, फिर ऐसे खाकर तो और बीमारियाँ बढ़ेगी। फिर तो कैंसर आज इतना बढ़ रहा है, और ये रिफाइंड ऑयल अगर बंद नहीं हुआ और मल्टीपल अगर ट्रिपल रिफाइंड डबल रिफाइंड अगर महिलाओं ने आग्रह रखा तो फिर कैंसर होने के प्रमाण परसेंटेज जो है इतने बढ़ जाएंगे कि आप 2022 आज चल रही है 2025 के अंदर और डबल हो जाएंगे, 2027 के अंदर और डबल, और 2030 के अंदर तो हिंदुस्तान भर में नहीं दुनिया भर में खाली कैंसर की हॉस्पिटल ही बढ़ेंगे। 1823 के बाद से लेकर अमेरिका ने ये रिफाइंडिंग सिस्टम चालू किए और तब से ये बढ़ गया है सब प्रमाण सब जगह पर। ये तो कोई ऑयल मिल की आवश्यकता ही नहीं है, ये क्या आ गए सब ऑयल मिल क्यों आए, राइस मिल क्यों आए, अब लोग कुछ का कुछ खा रहे हैं, राइस ब्रांड लाकर खा रहे हैं, सूर्यमुखी खा रहे हैं, सोना सूरजमुखी खा रहे हैं, फिर सोयाबीन खा रहे हैं, तो ये सब गलत तरीके, फिर तो बीमारियां बढ़ने ही वाली। ये आपको पहले ही समझ करके हटाना पड़ेगा सर। बोलिए विपुल जी, है किसी को प्रश्न पूछना है, अब क्या पूछेंगे बताइए आप। इतना फैक्ट मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है, दोनों के दिखा दिए, इनका वीडियो आज ये दिखा नहीं पाया आपको। बोलिए विभा में भाव में फर्क ही भाव में फर्क पड़ेगा, भाव में तो फर्क पड़ेगा, ये तो बात निश्चित है, गल है। हेम भाई बोलो गुजरात। આંબેલમાં બાજરી જો વૃક્ષ હોય તો એનો વિકલ્પ શું, કારણ કે ઘઉં કરતા ગુણકારી તો બાજરી છે? બિલકુલ, તો વિકલ્પ હે ના, જવારી હે, મકાઈ હે, ઓર ભી તો હે ના, આપ મકાઈ ખા સકતે હો, જવારી ખા સકતે હો, જબ શરદી કી મોસમ હો તો જરૂર જો હે આપ बाजरी लीजिए, वरना आप जो है जौ और जवारी और मकाई है, ये अच्छे गुण है। और आयंबिल ज़्यादा करो, करना चाहिए, बहुत अच्छी तपस्या है, लेकिन आयंबिल में नियम क्या बनाइए कि जो पानी में बॉयल हुआ है वही खाइए, तवे पर का मत खाइए। जो तवे पर चढ़ गया तो उसमें पानी जल गया तो शरीर को ग्लिसरीन नहीं होगा, वैसे भी आयु वृक्ष खुराक है आयंबिल। अब जब वृक्ष खुराक है तो वायु तो बढ़ेगी, तेल तो मिल नहीं रहा है, तो जैसे मूंग की दाल जो है वो उबल गई पानी में, उसमें दाल पानी अभी पड़ा है साथ में है, वो आपको इतना वायु नहीं बढ़ाएगी। आपने मकाई की गांठ ले ली, आपने बाजरे का खीस ले लिया, आपने जवारी का ले लिया, सब वो पानी में बॉइल किया हुआ है, गेहूँ की थुली है, वो आपको इतना वात प्रकोप में नहीं ले जाएगी। लेकिन आप तो बोलो कि मुझे रोटी खानी है, सोगरा खाना है, बाजरा का रोटला खाना है, खाखरा खाना है, तो ये फिर आपको वृक्षता में और लंबे वायु के अंदर खींचते जाएंगे, फिर वायु का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वायु की बीमारियाँ आ जाएगी, हार्ट अटैक वायु की बीमारी है, पैरालिसिस वायु की बीमारी है, ध्यान रखिए। ये रूमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, सब वायु की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन से वायु खराब होगा, साइटी का जो है वो वायु की बीमारी है, फिर क्या करोगे आप, और परेशान हो जाओगे। हाँ बोलिए भारती बहन। साहिब जी, तेल चौमासे में बॉईल करके रखते हैं हम लोग अपने धर्म के हिस्से, तो फिर चौमासे में उसका तेल निकालेंगे तो वो बॉईल करना है कि ऐसे ही? क्यों बॉईल करने का किसने बोला है? जो आपने लिखा ना कि फागन मास उपरांत पहला तल उकाड़ी ने रखवा पड़े फागन मास पछी, तल जैसे तेल नहीं बोला है आपको, पहले ये ध्यान रखिए ना, तल तो ये तल नु पछी तेल काढवानो होय तो केवी रीते करवानो? तो आप पहले ही काट लो ना, फिर क्यों करते हो, तेल निकालने के पहले ही तेल निकाल करके कर लो, इतने तो समझदार आप भी। फागन मास के पहले हम बना लेंगे
अभी आपने कहा कि 8 दिन में बनाओ, तो फिर हम फागन मास के पहले दिन ला के बना लेंगे, तो फिर कार्तिक पूनम तक का तो हमको बना के ही रखना पड़ेगा ना सर। अच्छा है, कोई गलत नहीं है, तेल 12 ही महीने खराब नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारे कोई तुमने कोई हमजावी देश से बीजा कोई सासू भी गए ऐसे 12 ही महीने तेल कभी खराब नहीं होता है। हाँ सब अवमी अवमी नाम बोलिए साहब जी। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जो गुणधर्म आपको देखिए, आप श्रीमंत है पैसेदार है इसलिए करना चाहते हो तो करिए, लेकिन जो सरसों में और तिल में जो वातनाशक गुण है वो उसमें नहीं है, दूसरे विटामिन कुछ मिल जाएंगे। ये है आपको ऑयली ऑयल जो है वो ऑलिव ऑयल बहुत पतला होता है वो इसीलिए यूज करते हैं। आप गलती कर लेते हैं, पतला जाड़ा की पहचान आपको उस अक्कल से मत करिए, सही अक्कल का सदुपयोग करिए कि आपको करना है गुणधर्म से करना है, पतला जाड़ा देख करके उपयोग करने का मतलब नहीं है, आपको करना है तो गुणधर्म से करना है। वर्षा ऋतु वायु के प्रकोप की बीमारी है, आपको बरोबर सरसों का तेल उपयोग करना है या रा ये तिल का तेल उपयोग करना है। हम पहली बात, ये ऑलिव जो फूल है फ्रूट है ये फल विदेशी है, आप गुणधर्मों में उसमें वातनाशक गुणधर्म नहीं है, आप श्रीमंत है करिए साहब, कोई ना नहीं। बादाम का तेल भी कर सकते हो, इसमें तो बहुत डिटेल है कौन सा तेल तला जा सकता है, किस तेल में तलना है, किस तेल में नहीं तलना चाहिए, किस तेल में एक ही बार में तलते हैं, दूसरी बार नहीं तला जाता है, तीसरी बार नहीं तला जाता है, ये सारे नियम जो है आयुर्वेद शास्त्र ने बताए हैं, लेकिन अब कौन समझते हैं कौन जानते हैं ये प्रश्न है। आप प्रवीणा बेन माची नो तो प्रश्न मन लागे छे हमने प्रिस्क्रिप्शन मांगे नो हसे। सरसों का तेल जब हम यूज करते हैं तो उसे गर्म करके करना चाहिए? क्यों, कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे माथे लगाड़ू हो तो गर्म करवानी जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाओ। खावामा पण डायरेक्ट खाई सकाय छे, और आपको बघार सौंग वगैरह करना है तड़का देना है तो गर्म करके होगा, कोई ना नहीं है, दोनों बात। बोलिए अवमी बेन, दूसरी बात। जय जयतिनेन्द्र महाराज साहेब, मारो नाम सागर छे, हूँ 16 इयर्स ओल्ड छु अने हूँ तबला वगाड़ू छु, પણ મારા હાથમાં બહુ જ પરસેવો થાય છે વાઇલ પ્લેઇંગ તબલા, સો આનો કોઈ સોલ્યુશન છે રિડ્યુસ કરવા માટે? ઇસકા સોલ્યુશન આપ નમક બંધ કરીએ, શક્કર બંધ કરીએ ઓર ફર્મેન્ટેડ બંધ કરીએ જિસમે સોડા બાયકાર્બ આતા હે, સોડા ખારા સે જો ભી બનતી હુઈ ચીઝ હે વો બંધ કરીએ આપ, યે સોલ્ટ કે પરસેન્ટેજ બંધ હો જાયેગી, આપકે પસીને કે પરસેન્ટેજ ઘટતે જાયેંગે, ક્યોંકિ યે બઢને કે કારણ જો હે ના अब जो है शरीर के अंदर आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा नमक आ रहा है, आप देखना आपके घर के अंदर नमक के परसेंटेज ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात है कि कोई भी नहीं स्वीकारेगा, अब आप भी क्या करोगे, परेशान हो, श्रीमती जी बनाएगी जो खिलाएगी वही खाते रहोगे, और ये फिर सॉल्टी फूड जो है वो मेमोरी में सेट हो जाता है, तो वो पहले आपको देखना है। अब नमक जो है आटे में मत डालिए, चावल में मत डालिए, और किसी में ऊपर से नहीं लाना है, धीरे धीरे परसेंटेज घटाते घटाते एक 10 दिन लगेंगे, आप उसके परसेंटेज एकदम कम कर दो, आपको धीरे धीरे कम हो जाए। साहिब जी, ये खाली 16 वर्ष है अने ही इज प्लेइंग तबला, जब तबला प्ले करे ने, अमे लोग कैलिफोर्निया में छे आटली ठंडी हो तो पण ये तबला प्ले करे ने तो बहुत स्वेट थाय, खाली तबला प्ले करे त्यारे। आप प्लीज यू बस अंडरस्टैंड दिस, इफ यू विल चेंज योर डाइट सिस्टम, इफ यू विल स्टॉप द सॉल्ट सोडियम सुगर एंड सोडा बाई कार्ब, एज इज नॉट कंसर्न विद दैट, बट द परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट सोडियम एंड सुगर इफ इट इज एन एक्सेस परसेंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉल्ट एंड सोडियम इज ऑनली नियर अबाउट 3%, 3 ग्राम पर डे और 4 ग्राम पर डे और मैक्सिमम विल बी द 5 ग्राम पर डे, बट इफ यू आर कुकिंग इन योर हाउस
then you are using 20%, 30% more than 30 gram salt and sodium per day, then it is effective, then it will be very bad for your body. तो ये पहले आप बंद कर दो, फिर जो है इडली है, खमन है, ढोकला है, डोसा है, उत्तपा है, ये सब के अंदर सोडा बाइकार्ब आएगा, वो इनके ब्लड में से पानी को निकाल करके स्वेटिंग में ज्यादा बढ़ा रहा है। बात इतनी सी। अने मन से जारे कोई ने, कोई त्रीजी व्यक्ति ने, नॉट आप बाड़क ने, पन बीजा कोई ने, जारे बहुत ईची फील थतू होय, तो डज इट मीन कि कफ वधारे छे? Not cough, but acid. The acid comes in blood. So that acid, when it comes in the blood, you say it become on, because the skin is only the bed sheet. Under the skin, there is only the blood, you see. So the liver which produce the acid, and when it comes in the blood, then it will be anti-inflammatory बढ़ जाता है, और inflammatory होने से skin disease वगैरह, itching वगैरह बढ़ेगी आपके। आप पहले से बंद करने की कोशिश करिए, चाय नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है, चिली फूड ज्यादा नहीं खाने, स्पाइसी फूड ज्यादा नहीं खाने हैं, तो फिर आपके धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा। तो पित्त प्रकोप राइट तमें सिखा ली तो एवी रीते नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोहे सब प्रसावनम एसो पंच नमो कारुण सब पाप प्रणासम मंगलानं च सर्वे सिंहपरमं भवै मंगलम् मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतम प्रभु मंगलम् स्थूलिभद्रात्याजयिनधर्मोऽस्तु मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नतोतम मंगलम् चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतोतमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जय नम जयति शासनम धर्म।